जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह में अब ब्रेड भी तैयार होगी। यही नहीं, सुधार गृह में कैदी फूलों के गमले भी बनाते नजर आएंगे। इसके अतिरिक्त सुधार गृह में स्थापित नर्सरी को भी अपग्रेड किया जाएगा। सुधार गृह में बेकरी पहले से संचालित की जा रही है, जिसमें कुछ एक ही बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, जबकि अब जेल प्रशासन इस बेकरी को अपग्रेड करके ब्रेड तैयार करवाने जा रहा है। इसके लिए नई मशीनरी खरीदने की योजना है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। सुधार गृह में तैयार होने वाली ब्रेड सहित अन्य उत्पादों को शहर की मार्केट में बेचने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त कैदी सीमेंट के गमले भी बनाएंगे, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैदियों को इस बारे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनके द्वारा निर्मित गमलों को बाहर बेचा जा सके। धर्मशाला जेल में स्थापित नर्सरी को भी अपग्रेड किया जाएगा तथा सितम्बर माह से नर्सरी में नए पौधे लगाए जाएंगे। जेल प्रशासन की माने तो नर्सरी में फूलों के साथ औषधीय पौधे भी रोपित किए जाएंगे, जिसके लिए बागवानी विभाग से भी बात की गई है। जेल प्रशासन का कहना है कि कोरोना संकट के चलते सुधार गृह के बंद किए गए व्हीकल वॉशिंग सेंटर सहित कैंटीन और कारपेंटर के कार्य को शुरू कर दिया गया है। धर्मशाला सुधार गृह की बेकरी में अब ब्रेड भी तैयार की जाएगी, जिसके लिए बेकरी को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीमेंट के गमले बनाने का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। सुधार गृह स्थित नर्सरी को भी सुधारा जाएगा, इसमें सितंबर माह में नए पौधे लगाए जाएंगे। कोरोना के चलते बंद वॉशिंग सेंटर, कैंटीन और कारपेंटर के कार्य को शुरू कर दिया गया है। एक्चुअली COVID-19 के चक्कर में हम लोगों ने अंदर तो जेल में प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, अंदर बैरक्स में भी हम लोग इनको सेग्रीगेट रख रहे हैं ब्लॉक वाइज, लेकिन जितना लंबा ये चलेगा उस तरह इनको अलग थलग तो रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने स्मॉल स्केल पर कुछ एक एक्टिविटीज़ अपनी स्टार्ट कर दी हैं। जैसे कि हमने जो हमारा सर्विस स्टेशन है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो पानी और साबुन वगैरह से डील होता है, तो ये लोग अपना हाथ वगैरह साफ करके उसको कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अभी हमने एक नई यूनिट, हम गमला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने काम शुरू करवा दिया है। तो जल्दी हम लोग जो है यहाँ धर्मशाला में हमारे बिजनेस के बनाए हुए गमले बेचेंगे। तो गमलों के साथ साथ मैंने ये पाया कि यहाँ पे थोड़ा हमारा जो नर्सरी है उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है, तो उस नर्सरी को भी अपग्रेड कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमारी जेल में बेकरी है, तो बेकरी भी थोड़ा अभी तक स्मॉल स्केल पे है, उसको भी हम एक हायर स्केल पे लेके आना चाह रहे हैं। तो इसके लिए कुछ एक हम लोग अभी जल्द ही शायद मशीनरी अभी हम लोग परचेज करके और बेकरी यूनिट को भी हम थोड़ा अपग्रेड करेंगे। तो बाकी तो हमारा खैर टेलरिंग वगैरह यूनिट और जो कैंटीन है हमारी जेल की, वो हमने शुरू कर दी है, उसमें भी प्रॉपर प्रिकॉशन लेके हम लोग अपना सेल हमने शुरू कर दी है। अभी हमने अपने ओपन प्रिजनर्स को जेल कैंपस से बाहर भेजना बंद किया हुआ है, क्योंकि हमारे लिए इनके प्रिजनर्स की हेल्थ और ये ज़्यादा सबसे मेन है, और इस चीज़ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अभी जी। अभी तक जो हमारे पास बेकरी में काम कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी मैं हाल ही में ज्वाइन किया है यहाँ पर, तो इतना ज़्यादा मेरे को उनकी स्किल्स के बारे में नहीं पता, लेकिन यदि उनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत हुई तो वो भी उनका दिलवाया जाएगा। देखिए, एक तो ओवन अपग्रेड हो जाएगा, ओवन अपग्रेड के साथ साथ उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड्स हैं, तो ब्रेड्स भी कई तरह की ब्रेड्स उसमें बन सकती हैं, बिस्किट्स बनेंगे और पिज़्ज़ा बंस वगैरह तो हम लोग बना ही रहे हैं, तो इसी चीज़ में हम लोग अभी अपग्रेड करेंगे।